इटावा जसवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रातः पेट्रोल पंप से नौकरी कर मोटरसाइकिल से आ रहे रही रंजेश कुमार पुत्र सुबेदार उम्र 35 साल निवासी कैष्ट थाना जसवंत नगर कचौरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक सड़क के किनारे पड़ी मिली और पास में ही युवक का शव पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक को भाई ने हत्या की आशंका बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। कहाँ के रहने वाले है? गाँव पेस्ट। क्या घटना हुई? घटना हुई हमारे भाई के चाचा के लड़के को गोली से मार दिया गया रास्ते में कचौरा बाईपास पर। वो अपनी ड्यूटी करके घर आ रहा था वापस। कहाँ ड्यूटी करता था? ड्यूटी करते थे लखेरे कुआ के पास पेट्रोल पंप पे। घटना कब की है? घटना आज सुबह है लगभग 9:30 बजे की। फिर 10 बजे के लगभग हम पहुँचे हैं तो हमें वो अमृत अवस्था मिली। मोटरसाइकिल किनारे पड़ी थी, आपकी बॉडी बिल्कुल साइड से लगी हुई थी। फरार पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना हमसे पहले पुलिस पहुंच चुकी थी वहाँ। हम जब तक पहुंचे हमको सूचना मिली तब तक पुलिस वहाँ पर्याप्त थी। अब क्या मामला हो गया है? मामला ये हुआ कि हम पुलिस से यहाँ सब लोग लेकर के यहाँ आए हैं तो पहले डॉक्टर लोगों ने बोला कि उनके जबड़े में ब्लड फंसा हुआ है, गोली फंसी हुई है। और पहले तो यही किया कि गोली निकाल रहे हैं, जब गोली निकालने की कोशिश की गोली अभी मिली नहीं है, इसका एक्सरे कराना पड़ेगा। फिर एक्सरे के लिए भेजे, एक्सरे करा के आए, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया गोली उसमें है नहीं। डॉक्टर ने भक्त दिया आपको? जी। एक्सरे दिखाया नहीं? एक्सरे भी दिखाया नहीं। और वहाँ एक्सरे दिखाने के उन्होंने भी बोला वहाँ पर कि इसमें गोली फंसी हुई है। क्या नाम है? पंकज पाल सर। क्या बात हो गई? सर, हमारे चाचा जी की काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही है ज़मीन के बारे में। हाईवे किनारे ज़मीन महंगी ज़मीन है, उस पर रंजिश चल रही है राधे श्याम से, और काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही है। और उसने इनकी ज़मीन पर पहले भी कब्जा कर रखा था और दोबारा फिर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। और जब उनसे वो करने की कोशिश की कि ये क्यों कर रहे हैं तो गोली मारने की और मरवाने की बात कर रहे की थी इसने, और वही आज इसने किया है। आज जब वो कल ड्यूटी से लौट के आ रहे थे आज सुबह, तो लगभग 10 बजे के टाइम पे वो क्यों वहीं पे पास में बाइक गई थी, वहीं पे ये पड़े थे। इनके सिर में एक छेद था, जैसे लग रहा था कि ब्लड का छेद है, और पूरे शरीर में कहीं चोट नहीं है, और इनका तो मर्डर किया गया है। अब पुलिस क्या कर रही है इसमें? सर, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मृतक के क्या बच्चे हैं? मृतक के सब 3 बच्चे हैं। क्या नाम बच्चियाँ? ये बच्चा है। क्या नाम है? लड़के का नाम नीतेश है और लड़कियों का नाम रिया और ऋषु है। रिपोर्ट बाय अखिलेश कुमार, समाचार इंडिया न्यूज़, इटावा, उत्तर प्रदेश।